स्टूडेंट्स, आज हम पाठ चार की कविता कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चलता है कि ये कविता किसके बारे में है, कठपुतली के बारे में। आप सबने कठपुतली का खेल देखा होगा। ये काफी पुरानी लोक कला है जो कि हमारे देश में कई सालों से चली आ रही है। इस कविता में कवि ने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे बताते हैं कि कठपुतली अपने दागों से बंधी होने के कारण बहुत ही दुखी है और वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना चाहती है। तो आइए अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। कठपुतली। कठपुतली धागे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। गुस्से से उबली। गुस्से से उबली, बहुत क्रोध में होना। बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। पांवों पर छोड़ दो, मुक्त करना। कठपुतली गुस्से में कहती है कि ये जो दागे हैं जिनसे कि मुझे चलाया जा रहा है, ये मेरे पीछे आगे क्यों है? इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए, मन में खुशी आना। जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा जताई तो बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि हाँ भाई, बात तो ठीक है कि बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की मर्जी की ही नहीं। हमेशा हम दागों में बंधे रहते हैं और जो हमें चलाने वाला होता है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब बाकी कठपुतलियों ने भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। वह ये सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जा गई। अगर मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, और क्या पता ये स्वतंत्र होकर खुश रहेंगी भी या नहीं। जब उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई तो जिम्मेदारी आते ही वह सोच में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा उसके मन में जागी है। ओके स्टूडेंट्स, ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है और इसका प्रसंग और शब्दार्थ आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। थैंक्स।